मेरे हिसाब से कभी नहीं आएगा। जो आपके सुख दुख में ना आए, जो आपके साथ आकर खड़ा ना हो, कम से कम धन्यवाद को करने आना चाहिए, चाहे वोट आए नहीं आए। मगर रमेश कौशिक जी एक दिन भी नहीं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कल परसों वोट मांगने आया था, वोट वोट पर सारे आए करें, धन्यवाद भी करना होता। रही बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, हमारे आदरणीय नेता, दो बार के मुख्यमंत्री रहे। अब ये पत्रकार साथियों से मैं, कर्मो जी, ये हुड्डा साहब से आप पूछो, आप तो सबसे सवाल पूछते हो तीखे, ये हुड्डा साहब से ये पूछो भाई, आप वहां क्या बयान दे के आए हो सोनीपत में? हुड्डा साहब ने मंच पे ये बयान दे दिया कि भाई मैंने तो इस रोड तक को छोड़ के किसी का विकास किया ही नहीं, कही है कि नहीं ये बात? भाई इससे शर्म वाली बात क्या हो सकती है हमारे लिए? राजा सबका होता है, राजा एक जगह का नहीं होता। राजा की आंख में फर्क हो जाए अपने इलाके के लिए तो फिर वो राजा राजा नहीं होता। आप सहमत हो? भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे से वोट किस बात, क्या कह करके मांगने आएंगे, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा। जो वो ये कहे हैं भाई मेरे को तो इस इलाके के सिवाय कुछ दिखता नहीं, मैं तो इसकी चौदह लान खाता हूं, ये गुहाना रोड है, हुड्डा जी के राज में चला करते तो गुहाना की जहां सीमा है बम्बेवा में, वहां तक सड़कें बहुत बढ़िया थी, विकास बहुत बढ़िया था, डेवलपमेंट बहुत थी, पर वो जो बॉर्डर आया करता तो लिखा आया करता जींद, तो जींद नहीं लगता था लोगों को, ये लगा करता अटारी बॉर्डर की सीमा आ गई। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप रोहतक से चलते थे, लाखन बाजरे तक कोई दिक्कत नहीं थी, और हमारा वो आता था जी कौड़ी, जींद की सीमा कौड़ी, जींद की सीमा पर यूं लगा करता ये बाघा बॉर्डर वाली आ गई। अब हुड्डा साहब ने तो बार एसोसिएशन में आके मान ही ली गलती कि मैंने छोड़ी है कमी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो 10 साल में नहीं कर सके, 10 साल में जो आपका भला नहीं कर सके, क्या वो 5 साल में आगे 5 साल में कर सकते हैं? जो सीधी बात ये कहो है मैंने तो करना ही तुम्हारा है, कोई बात जो वो आपका नहीं कर सके, आपके बीच में नहीं रह सके, और आपसे कुछ सीधी द्वेष भावना रखी भूपेंद्र हुड्डा जी, जींद का तो कोई कर्मचारी भी मिल गया जिसपे कोई छोटी मोटी लोकदल की मोहर थी, यहां तो लगभग लोकदल की मोहर है, उसको मेवाड़ पोस्टिंग कर दी, उसको पंचकुला भेज दिया, द्वेष भावना से काम किया। आज एक मेरे पे आरोप लगा रहे कि दिग्विजय तो मेरी कड़ी बिगाड़ने आ गया, मैं आपकी कड़ी क्यों बिगाड़ू? आपकी कड़ी बिगाड़ो सुरजेवाला, आपकी कड़ी बिगाड़ो तो दूसरा खबर, तो अपनी कड़ी बनाना आए हैं, गरीब किसान मजदूर की सोच लेकर आप अपनी कड़ी बनाओ, प्रजातंत्र है, जनता फैसला करेगी किसकी कड़ी बढ़िया है किसकी नहीं है। सहमत हुआ? सिर्फ मेरे पे टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी पे कोई टारगेट नहीं कर रहे, मैं हैरान हूं। मैं 27-28 साल का कार्यकर्ता हूं एक पार्टी का, वो 2 बार का सीएम, अब ये कहते बदला लेने आ गया, मैं क्या बदला लूंगा आपसे? राजनीति में क्या कोई बदले होते? राजनीति में जो बदला रहे वो राजा ने, वो राजनीतिक नहीं, वो सामाजिक नहीं। आपको मैं बताऊं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भजनलाल जी ने कहा, पर मुझे ये बताइए जाके दादाजी, जब इनके लाडले सपुत्र पर दहेज के केस चल रहे दीपेंद्र जी, तो भजनलाल जी ने खड़े होकर कहा कि तीनों मां पर, बाप पर और बेटे पर केस है, मौका पड़ा है चौटाला साहब, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, और मेरा भी भरासा हो जाएगा। भजनलाल का तो ये सीधे प्रतिबंधी थे, चौटाला साहब ने कहा भजनलाल जी मैं आपकी नियत का आदमी नहीं, मैं सामाजिक व्यक्ति और समाज में जवाब देना मुझे, मैं इनको कोर्ट में पैर भी नहीं रखने दूंगा, इनका बाहर की बात फैसला करूंगा। और चौटाला साहब ने इनको अपने चीफ मिनिस्टर होते हुए अपने घर पे बुलाया,
अजय सिंह जी भी शामिल थे, इनके फैसले करवाए। जेल तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट में भी नहीं जाने दिया कि भाई बड़ा नेता हरियाणा का, हरियाणा की शान टूटती। और हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने, क्या सिला दिया, 80 साल के आदमी अपाहिज व्यक्ति को 10 साल की कैसे नहीं कराई होगा। मेरे पिताजी का क्या लेना था, कोई एक केस नहीं, कोई हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि नहीं, अरुण थी जैसा कोई विनम्र आदमी नहीं, कोई 10 साल कैद करा। आज कहते मेरे से बदला लेने आया, दास साहब जेल का दुख क्या होता है या तो मैं जानता हूं या परिवार जानता है। और मैं तो आज पंडारा में खड़ा हूं, यहां तो मंदिर है, तो परमात्मा से कहेंगे कि आपको भी कभी जेल ना हो। ये जेल काटने की सूखी का बात नहीं है, तो काला साहब जैसे मजबूत लोग, अजय सिंह जी जैसे मजबूत लोग जेल काट गए, जेल काटने की सूखे काम। मैं आपसे बदला लेने नहीं आया, मैं तो आज मजबूती से पंडारा की धरती पर शपथ लेता हूं, मैं इस जींद जिले की चौदह राणी आया हूं, इस जींद जिले को जब आप हमें अपना मानते ही नहीं, जब आपने हमारे लिए किया नहीं, तो फिर हमारे से वोट किस मुंह मांगोगे? क्या मैं गलत कह रहा हूं? एक शगुफा और छोड़ दिया, ये तो हमारा छत्तीस बिरादरी का गांव है, मुझे कहने नहीं चाहिए, मगर चूंकि आवश्यकता है कि कल कह के जाएंगे, कल उनके प्रोग्राम है यहाँ, कह के जाएंगे वो तो नहीं कहेंगे, पर उनके साथ घूमने वाले घरों में घुस घुस के कहते हैं, कौम का मामला है, इकट्ठे हो जाओ। जो हमको पाकिस्तान से आ रहे तो इस बात की कौन का मामला था, तो चुटाला साहब को जेल में डालते हो, तीन कांग्रेसियों की याद नहीं है ये को? हाँ। ये कौन कहां थी जब हमारे नौजवानों पर, छातियों पर बीजेपी गोली चला रही थी, तब डॉक्टर साहब कहां थे बताओ? भाई नौजवान खड़े हो मेरी उम्र के, तब कहां थे भूपेंद्र हुड्डा जी? तब तो रोहतक शहर के अंदर खड़े होकर के उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे जो हमें गालियां दे रहे। ये कौन कहां थी? अरे मेरे को तो ना दिलवाते, मैं तो आपका विरोधी था, सुरजेवाड़ा की पर्ची तो डलवा देते, तब करी के खट्टर की मदद नहीं, बताओ तब कौन कहां गई? आज कौन याद आवे? दिग्विजय ने तो 15 करोड़ ले लिए बीजेपी से, मुझे 15 करोड़ लेने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ एक टारगेट है दिग्विजय, तो सारे दुनिया होगी, बाप दादा जेल में और ये सारे इकट्ठे हो रहे, भी ये नहीं जाने चाहिए। आज इनमें इस बात का बेरा है, भूपेंद्र हुड्डा जी को पता चल गया, मैं आज आपको बता कर दिया जाता हूं, इनको इल्म हो गया इस बात का, जींद वाले भाई तीन हल्के के लोग इकट्ठे हो रहे और 1.5 लाख से ऊपर वोट अकेली जेजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी जीते कैसे गा? भूपेंद्र हुड्डा चुनाव बता दो जिसके, तभी तो आप इनकी भाषा सुनो, वहां क्या कहते हैं घोड़ा में, मेरे पास टाइम नहीं है, गांव में नहीं जाऊंगा मैं, अपने आप जाओ वोट मांगो, और आपके यहां पर कराएंगे वोट मांगना, गांव गांव घूमेंगे, अभी पता चल गया जींद में कुछ नहीं रहे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारे लिए अगर कुछ है, मेरे लिए तो विशेष, मेरे परिवार के लिए तो आप लोग हो, आज मेरे बाप भी, मेरे दादा भी, मेरा परिवार भी आप संभालो, और हमने तो ये पार्टी भी आपके गांव में बनाई थी। बाकी बातों का आपने सारी बातों का बेरा, हम तो एक ही लक्ष्य लेकर चले हैं कि जिस दिन दुष्यंत शपथ लेगा जींद के अंदर हरियाणा के मुख्य सेवक के तौर पर, उस दिन दूसरी तरफ की घोषणा हो जाएगी कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी नहीं, जींद हरियाणा।